दरभंगा राज के जमीन और भवन में चल रहे भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत नाटक प्रभाग को खाली कराने के लिए गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विवि के अधिकारी और कर्मी पहुंच गए। उन्होंने जबरन गीत नाटक प्रभाग के सभी साजो सामानों को बाहर निकालकर उनके कमरे में ताला जड़ किया। इसके बाद गीत नाटक प्रभाग के कर्मियों ने इसका जब विरोध किया तो दोनों संस्थानों के कर्मियों में भिड़ंत हो गई। विश्वविद्यालय की ओर से भू संपदा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार, पूर्व एमएससी और सीएम साइंस कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी और विवि संगीत नाटक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण की मौजूदगी में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। विवि कर्मियों ने गीत नाटक प्रभाग की एक महिला कर्मी को जबरन घसीट कर निकालने की कोशिश की। आखिरकार जब नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तो विवि कर्मियों को रोका और जबरन कब्जा करने को गलत करार देते हुए उन्हें बाहर किया। गीत नाटक प्रभाग की एक कर्मी शिप्रा ने बताया कि ललित नारायण मिथिला विवि के अधिकारी और कर्मी जबरन कार्यालय खाली कराने आए थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ हाथापाई की गई और घसीट कर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इस दौरान उनके साथ महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड ने धक्का मुक्की भी की। वहीं गीत नाटक प्रभाग के एक वरिष्ठ कर्मी मनीष जायसवाल ने बताया कि गीत नाटक प्रभाग भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक इकाई है। उनका कार्यालय 1967 दरभंगा राज की इस जमीन और भवन पर चल रहा है, जबकि ललित नारायण मिथिला विवि की स्थापना बाद में 1972 में हुई है। उन्होंने कहा कि विवि जबरन उनके कार्यालय पर कब्जा करना चाहता है। विवि के पास कार्यालय को खाली कराने का ना तो कोई आदेश है और ना ही इसका मालिकाना का हक को लेकर कोई कागजात है। इसके बावजूद न्यायालय और पुलिस को सूचना दिए बिना वे लोग जबरन खाली कराने की मांग पहुंचे थे। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। ललित नारायण मिथिला विवि के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि गीत नाटक प्रभाग के कार्यालय की जमीन विवि की है। वे कई बार उन्हें खाली करने को नोटिस दे चुके हैं, लेकिन वे लोग खाली नहीं करते हैं। इसी वजह से वे लोग मकान खाली कराने आए थे। जब उनसे पूछा गया कि किसके आदेश पर खाली कराने आए थे तो इसका जवाब दिए बिना वे अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। जब सूचना मिली हम लोगों को कि ये लोग मिलने के लिए आए हुए हैं और इस तरह का बात कर रहे हैं जैसा अभी मनीष भैया ने बताया आपको, तो हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया कि आप, जबकि उससे पहले सारा सामान निकाल चुके थे, एक अलमारी अंदर में था, मैंने उसको रोकने के लिए की कोशिश की। कुछ महिलाओं को बुलाकर जो सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी रखे हैं यूनिवर्सिटी वाले, बुला के धक्का मुक्की किया। जेंट्स भी थे, उन्होंने भी मुझे धक्का दिया, हाथ पकड़ के मुझे खींचा। मैंने कहा कि मेरे विभाग की ये मर्यादा की बात है, स्वाभिमान की बात है, क्योंकि ये भारत सरकार का कार्यालय है, किसी का व्यक्तिगत संस्था या हमारा व्यक्तिगत घर भी नहीं है। आपको घसीट कर ले जाने की कोशिश की गई? घसीट की बिल्कुल, ताकि मैं बाहर निकल जाऊं और वो ताला मार दें। 1967 से ये ऑफिस हमारा कार्यरत है। कौन सा ऑफिस है? सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का। जी पूछा जाए। उसके बाद क्या हुआ है विश्वविद्यालय के साथ? आपका विश्वविद्यालय इसमें जबरदस्ती अपना हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहा है कि इसको जितना जल्दी हो इस सबको बाहर करो, इस पर कब्जा कर लो, जबकि इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई मालिकाना हक नहीं है। आ करके और 20 गो 25 गो 50 गो अपना स्टाफ सबको ला करके घुसवा दिए, कहे सब खाली करो, ये देख लीजिए ना सर। अच्छा आज क्या हुआ? आज हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, प्रशासन आई, प्रशासन ने उनसे कागज मांगा। आपका ये खाली कराया, इन लोगों ने क्या क्या किया, क्या खाली कराया? पूरा सामान, पूरा अलमारी, पूरा साज, पूरा टेबल, पूरा कुर्सी, पूरा कागज, पूरा पत्थर, पूरा तबला, हारमोनियम, ढोलक, सब। यही तो खाली हम लोग करवा रहे थे, ये मेरी जमीन है, मेरा किराया दे सर, रहा क्या था, मामला था सर, यहाँ पर का मामला क्या था? पूरा मामला क्या था? मामला हमारे ये कि जी खाली नहीं कर रहे थे, इतना दिन से रखे हुए हैं, बार बार चिट्ठी देने के बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सब किराया जमा करने का सबूत है, उनके उपनिदेशक को बार बार हम चिट्ठी भेजे। नहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपने दंडाधिकारी और प्रशासन से ठीक है भाई, प्रशासन अपना नियम के अनुसार इनका ये नियम सर, इनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले से लोग यहाँ पर। अच्छा सर, अभी आप लोग खाली करवाए क्या परिसर को? खाली तो हम करवाए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं प्रशासन की अभी आप निकलिए यहाँ, बाद में हम देखते हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग खाली नहीं करवा पाए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित
डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।